अध्याय 45 नैतिक दुविधा का समाधान। एक्सपी सर और उसकी टीम की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। आज वे एक स्थानीय सरकारी कार्यालय में एक विशेष सत्र के लिए तैयार हो रहे थे, जिसमें उन्हें एक वास्तविक जीवन की नैतिक दुविधा से निपटने के बारे में चर्चा करनी थी। उनके सामने एक केस स्टडी थी जिसमें एक सार्वजनिक सेवक को एक गंभीर नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा था। सुबह का सत्र सरकारी कार्यालय में चर्चा। सुबह एक्सपी सर और उसके छात्र एक सरकारी कार्यालय में पहुंचे, जहां प्रमुख अधिकारी मिस्टर अमर सिंह, जिन्होंने हाल ही में एक नैतिक दुविधा का सामना किया था, उनसे मिल रहे थे। मिस्टर सिंह ने अपनी स्थिति साझा की। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं एक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजना की समीक्षा करूं। परियोजना की लागत में अनियमितताएं पाई गईं, लेकिन मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे निर्देश दिया कि मैं इन मुद्दों को नजरअंदाज कर दूं। मैंने इस स्थिति को नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण पाया। गणेश ने पूछा, मिस्टर सिंह, आपने इस स्थिति से कैसे निपटा? मिस्टर सिंह ने उत्तर दिया, मैंने नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं को उजागर किया। हालांकि यह मेरे लिए जोखिम भरा था और मैंने इसे खुलकर और ईमानदारी से किया। दोपहर का सत्र विश्वविद्यालय में कार्यशाला। दोपहर को एक्सपी सर और छात्रों ने एक विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला में भाग लिया। यहां पर प्रोफेसर सुमित अग्रवाल ने नैतिक दुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जब एक सार्वजनिक सेवक को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले उन्हें अपने व्यक्तिगत नैतिक मानकों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद उन्हें पारदर्शिता, ईमानदारी और सार्वजनिक हित के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। गायत्री ने पूछा, क्या आप हमें इस विषय पर एक वास्तविक उदाहरण दे सकते हैं? प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा, एक प्रमुख उदाहरण है जब एक सिटी प्लानर ने जानबूझकर एक रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाया। अंत में यह एक बड़ा स्कैंडल बन गया और जनता में विश्वास खो गया। सही तरीके से उन्हें ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। शाम का सत्र सामाजिक संगठनों के साथ संवाद। शाम को एक्सपी सर और छात्रों ने स्थानीय सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यहाँ मिस्टर नरेंद्र यादव ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने कहा, हमारे संगठन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनिवार्य तौर पर एक निर्णय लिया जो नैतिक रूप से संदिग्ध था। हमें उसे सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं मानते हुए चुनौती दी और अंततः उस निर्णय को बदलना पड़ा। वैष्णवी ने पूछा, इस दुविधा को कैसे हल किया गया? मिस्टर यादव ने उत्तर दिया, हमने सार्वजनिक मुद्दों की पारदर्शिता और ईमानदारी के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके साथ ही हमने मीडिया और सार्वजनिक समर्थन को भी शामिल किया। रात का सत्र सार्वजनिक प्रशासन पर प्रशिक्षण केंद्र। रात को एक्सपी सर और छात्रों ने एक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। यहां प्रशिक्षक मिस्टर प्रवीण शर्मा ने कहा, एक नैतिक दुविधा का समाधान करते समय यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक सेवक अपने निर्णय को व्यापक दृष्टिकोण से देखें। उन्हें अपने निर्णय की संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका निर्णय सार्वजनिक हित में हो। राधिका ने पूछा, इस दृष्टिकोण को अपनाने से क्या लाभ होता है? मिस्टर शर्मा ने उत्तर दिया, यह दृष्टिकोण सार्वजनिक सेवक को उनके निर्णय के नैतिक पहलुओं को समझने और सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके निर्णय सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखे। समापन सत्र एक्सपी सर का दृष्टिकोण। एक्सपी सर ने सत्र का समापन करते हुए कहा, हमने देखा कि नैतिक दुविधा का समाधान करने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय नैतिक रूप से सही हो और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखे।
एक सार्वजनिक सेवक को अपने नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए, भले ही इसमें व्यक्तिगत जोखिम शामिल हो। एक्सपी सर और छात्रों ने यह समझा कि एक सार्वजनिक सेवक को नैतिक दुविधाओं का सामना करते समय अपने मूल्य और सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना चाहिए। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे नेतृत्व और नैतिकता के साथ वे किसी भी दुविधा का सही तरीके से समाधान कर सकते हैं।